प्यारे बच्चों, मैंने आपको लेक्चर 7 का पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कैसे दो चार्ज बॉडी लटका हुआ है और उस पर उसको लिक्विड में डाल दिया गया है, तो उस पर अप थ्रस्ट जो काम करता है, तो उस अप थ्रस्ट को मैंने थोड़ा सा वहाँ डिटेल में नहीं बता पाया था, लेकिन अप थ्रस्ट क्या होता है उसको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये क्या है नॉट, नॉट में देखिए अप थ्रस्ट एफ टी, टी बने हुआ थ्रस्ट, एफ ने फोर्स, अप थ्रस्ट वेट। अप थ्रस्ट क्या है, बॉडी पर जो अप थ्रस्ट लगता है जब किसी बॉडी पर लिक्विड में डाल देते हैं तो उसमें एक फोर्स लगाता है, कौन, लिक्विड बॉडी पे, किधर, ऊपर, इसलिए इसका नाम है अप थ्रस्ट। सो अप थ्रस्ट का मीनिंग क्या है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड बाय द बॉडी। बॉडी को यदि लिक्विड में डालते हैं तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसका वेट, That is called force, that is called up thrust. कैसे निकालेंगे, weight of the displaced liquid by the body equal to होता है density of the liquid, जिस liquid में body को डाल रहे हैं उसका density, and क्या होगा into, क्या मैं दिया हूं, volume of the displaced liquid by the body into g. तो ये हो जाएगा density of the liquid, जिस liquid में body को डाल रहे हैं, और volume of the body इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो बॉडी का कितना वॉल्यूम लिया हूं, V, और वहां मैंने डेंसिटी का लिक्विड क्या लिया था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या लिया था, सिग्मा। तो ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा मास इनटू क्या, G, यही हो जाएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड बाय द बॉडी। तो ये मैंने आपको बता दिया अप थ्रस्ट कैसे निकलता है और वही मैंने वहां वैल्यू रखा था। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नया टॉपिक है। सपोज ए टेस्ट चार्ज की नॉट, टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। तो सपोज ए टेस्ट चार्ज की नॉट इज प्लेस्ड नियर द चार्ज क्यू, चार्ज क्यू के बगल में एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। द फोर्स इज एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज की नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू, क्यू के प्रेजेंस में की नॉट पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, तो द फोर्स इज एक्सपीरियंस बाई द टेस्ट चार्ज की नॉट इन द क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू। फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है चार्ज की नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, क्यू। तो क्यों, क्यू द चार्ज कैपिटल क्यू विल क्रिएट ए फील्ड, और उस फील्ड में क्यू नॉट चार्ज को रख दिया गया, तो ये कैपिटल क्यू विल एक्ट ए फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। सो दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब कहता है नाउ वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड द चार्ज क्यू, ये क्यू चार्ज है उसके अराउंड एक स्पेस है जहां क्यू नॉट पे फोर्स लगता है, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज क्यू वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी क्या एक्सपीरियंस्ड, है ना। मान लेते हैं चार्ज क्या है, Q है, और यहां क्या है, बोलो Q नॉट है, तो इतना फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड में ये फोर्स लगाएगा Q नॉट पे, ये कौन सा चार्ज, कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, हम लोग समझ गए। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम लोग यहाँ कितना चार्ज लिए थे, क्यू नॉट, लेकिन यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, प्लस वन को, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए एक चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्या है, क्यू नॉट। इसको टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं, इसलिए हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लो तो ये चार्ज क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज, और ये जिस पे फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। तो मान लीजिए ये सोर्स चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है, एफ नॉट मान लिया मैंने, है ना। तो क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ नॉट। तो प्लस वन चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वन चार्ज पे कितना लगेगा, एफ नॉट बाई क्या, क्यू नॉट।
तो प्लस वन चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैंने डेफिनेशन में अभी दिया। तो प्लस वन चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? एफ नॉट बाई क्या? क्यू नॉट, उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही मैं यहाँ डिस्क्राइब किया हूं। देयरफॉर एफ नॉट इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? कूलम्स लॉ से, के क्यू क्यू नॉट बाई क्या? आर का स्क्वायर। नाउ ई बराबर क्या होगा? एफ नॉट बाई क्यू नॉट, क्योंकि मैं अभी बताया हूं क्यू नॉट पे एफ फोर्स, तो प्लस वन चार्ज पे कितना? एफ नॉट बाई क्यू नॉट, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ नॉट बाई क्या? क्यू नॉट। सो ई इक्वल टू एफ नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहां है, इसको यहां रख दीजिए, आप आई क्यू नॉट से डिवाइड कीजिए, क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? ई इक्वल टू के क्यू बाई क्या? आर का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहां देख लीजिए ई बराबर एफ नॉट बाई क्यू नॉट, सो एफ बराबर क्या होगा? क्यू नॉट इंटू ई, है ना, एफ नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, यानी फोर्स बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? के क्यू बाई क्या? आर का स्क्वायर। अब एसआई यूनिट ऑफ ई इज क्या? न्यूटन पर कूलम, ये मैंने यहां लिख दिया। अब चलते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब चलिए मैं वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये चार्ज क्यू है, इसका पोजिशन वैक्टर आर है, ये चार्ज क्या है? क्यू नॉट है, उसका पोजिशन वैक्टर आर नॉट है। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ नॉट। तो मैंने जैसा डिस्कस किया था आपको वेक्टर फॉर्म में लास्ट टू क्लासेस, ये जो है बिफोर ई इक्वल टू क्या होता है? एफ नॉट बाई क्या? क्यू नॉट। वेक्टर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं यहां के अनुसार। एफ नॉट का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको लिखने बताया था, के क्यू क्यू नॉट बाई क्या? आर नॉट, आर नॉट माइनस क्या? आर, आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा? वेक्टर आर की मॉड का क्यू, आर नॉट माइनस आर, अब बाई क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो नट सेल में देखिए क्या बच रहा है, ए क्यू आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर की मॉड का क्यू, जो मैंने ये सब डिस्कस करके आपको पहले भी बताया है वेक्टर फॉर्म में। आप देख लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां कहीं भी किसी पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप देख लीजिए। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में मैंने बताया था कि प्लस वन चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चार्ज तो कैपिटल क्यू, दिस विल क्रिएट ए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके फील्ड में पी पॉइंट पे प्लस वन चार्ज रख देते हैं, तो प्लस वन चार्ज को ये क्या करेगा? मान लो ये प्लस है तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो प्लस वन चार्ज पे जो फोर्स लगाता है ये फील्ड जो क्रिएट कर रहा है कैपिटल क्यू, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस वन चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां भी कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, के क्यू इंटू वन अब बाई क्या? आर का स्क्वायर, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो एक तो क्यू है यहाँ, वन है, के क्यू इंटू वन बाई क्या? आर का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आगे भी बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई क्या? आर का स्क्वायर। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा क्या होता है, ये सब मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये टेस्ट, ये क्यू वन चार्ज है, ये चार्ज क्या है? क्यू टू है, ये है क्यू थ्री। क्यू वन का पोजिशन वैक्टर आर वन है, क्यू टू का आर टू है, और क्यू थ्री का क्या है? आर थ्री है पोजिशन वैक्टर। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू वन एफ नॉट वन, ये इसको क्या करेगा? क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्या? क्यू टू, ये हो जाएगा एफ नॉट टू, ये हो जाएगा क्यू थ्री, इसको रिपेल किया एफ नॉट थ्री, सो के एफ नॉट थ्री, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बाई क्या? क्यू थ्री, इधर आ गया। और इस तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेज में बहुत सारे चार्जेज हैं,
मैंने तीन चार्जेस को दिखा करके सारी फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाया. सो देयर आर ए ग्रुप ऑफ एन चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड से क्या Qn एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स आर R1, R2, R3 से लेके Rn. Q0 विद द टेस्ट चार्ज एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज क्या R0. सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 इज गिवन बाय. तो इसमें नेट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो मैंने यहाँ दिखाया आपको. लास्ट ये मैंने जो वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्स लॉ लिखने कहा था तो उसको इसी तरह से मैंने लिखने आपको बताया था. तो F0 बराबर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 F01 प्लस F02 प्लस F03 से लेकर के क्या F0n. सारे फोर्सेस का वैक्टर सम करते हैं बिकॉज फोर्सेस आर द वैक्टर क्वान्टिटीज. सो वी जस्ट एड all the forces in the form of vectors and then we get the total force acting on the test charge kya Q0. ye to ho gaya aur fir k Q0 Qn by kitna hai itna into itna ye total force jo lag raha hai group of charges pe wo nikal gaya. ab dekhiye isko short form mein likhta hu summation ke form mein. F0 barabar kya ho jayega k Q0. dekhiye sab mein common hai k Q0 sab mein common hai na. मैंने निकाल दिया. अब देखिए सिग्मा आई ब्रावो 1-2 क्या एन क्यू आई आर नॉट माइनस आर आई के मॉड का क्या क्यू. आप कहोगे सर ये कैसे हो गया. आई का मान 1 रखो, देखो ये वाला आ जाएगा के क्यू नॉट. 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट क्यू वन आर नॉट माइनस आर वन बाई क्या आर नॉट माइनस आर वन के मॉड का क्यू. देखिए ये आ जाएगा. फिर आई का मान 1 से एन तक है 2 रखोगे तो के क्यू नॉट क्यू टू आर नॉट माइनस आर टू बाई क्या आर नॉट माइनस आर टू के मॉड का क्यू. और इसी तरह से सब 1 से एन तक मान रखते जाइए यू विल गेट ऑल दिस फोर्सेस. सो यू कैन राइट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 इन द समीशन फॉर्म. सो दिस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ समीशन. ठीक है ये शॉर्टकट में आ गया. अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में क्या F0 by क्या Q0 है ना. और F0 का वैल्यू जो यहाँ है आप यहाँ से इसको राइट डाउन कर लो सर. और Q0 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये Q0 और ये Q0 क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा. सो ये आ जाएगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज. अब चलते हैं इसी पर बेस्ड हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं. देर आर 3 आइडेंटिकल चार्जेस Q1 Q2 Q1 बराबर क्यू Q2 बराबर क्यू एंड Q3 बराबर क्यू आर प्लेस एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. फाइंड द नेट फोर्स फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. मैंने एक प्रॉब्लम कूलम्स लॉ के बेस पे बनाया था. यही इसका सेंट्रोइड है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इसका हर एक साइड है ए ए ए है ना. और यहाँ चार्ज ए वर्टिस पे Q1 बराबर क्यू बी पे Q2 बराबर क्यू और सी पे Q3 बराबर क्या क्यू रख रहा हूँ. सो Q3 बराबर क्यू ऑल थ्री चार्जेज आर आइडेंटिकल एंड प्लेस एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है सेंट्रोइड पे निकालना है ना. सेंट्रोइड पे निकालना वहां कौन सा चार्ज कर दिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए. देखिए यहां मैं किया हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इसके द्वारा जो फोर्स लगता है वही है तो के क्यू बाई क्या आर का स्क्वायर. तो ये इसको क्या करेगा प्लस वन चार्ज को रिपेल करेगा टी वन हो गया है ना. और फिर ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा ई टू हो गया. और ये चार्ज यदि प्लस है प्लस वन को रिपेल करेगा ये हो जाएगा ई थ्री. तो प्लस वन चार्ज पे जो फोर्स लगता है इस सब चार्जेज के द्वारा वही सारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाया गया है. एज वी हैव डिस्कस इन द प्रॉब्लम हम लोगों ने आपको कूलम्स लॉ के बेस्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस किया हूँ. ए जी बराबर बी जी बराबर सी जी ए जी बराबर बी जी बराबर क्या सी जी. क्योंकि सेंट्रोइड से सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है. सो ए जी बराबर बी जी बराबर सी जी कितना निकाला था मैंने याद करो ए बाई रूट थ्री. सो जस्ट वी आर पुटिंग दिस वैल्यू है ना. तो इसको हम लोग सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं. सो यू सी योर डिस्टेंसेस आर सेम एंड चार्जेस ऑल्सो सेम क्यू क्यू क्यू. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई वन ई टू ई थ्री सेम. सो E1 बराबर E2 बराबर E3 इक्वल टू क्या मान लिया E बराबर कितना के क्यू बाई क्या होता है R का स्क्वायर. यही है तुम्हारा R का स्क्वायर.
द के क्यू बाई आर का स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखे ए बाई रूट थ्री, उसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई थ्री, थ्री कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखिए सेंट्रोइड पे प्लस वन चार्ज पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे तीन फोर्सेस काम कर रहा है E1, E2 और क्या E3। मैं इसका रिजल्टेंट पहले निकालना चाहता हूँ, किसका E2 और E3 दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 120। हम लोगों ने बताया है आपको ज्योमेट्री से, ये 30 ये 90 ये हो जाएगा 60 और इधर 60 120। तो मैं E2 और E3 का रिजल्टेंट निकालने जा रहा हूँ, तो E' उसको E' मान लो रिजल्टेंट का, सो रूट अंडर E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E2 E3 और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 120। और E2 E3 सब क्या है बराबर है, उसको क्या माना हूँ E, तो E2 की जगह E का स्क्वायर फिर E का स्क्वायर 2 E इंटू E cos 120 माइनस 1 बाई 2 कट जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा E आएगा। सो E' बराबर कितना हियर E' बराबर क्या E और यहाँ कितना हो जाएगा E बराबर E1 बराबर E है ना, तो ये दोनों का रिजल्टेड E' इधर आ गया, E' बराबर E और E1 इधर है, तो अब क्या हो जाएगा मैंने यहाँ लिखा है एज E' इक्वल टू E और क्या एंड E1 इक्वल टू क्या E आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिटिव डायरेक्शन, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट G इज क्या जीरो।